तो दोस्तों आज के वीडियो में भी आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज भी हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते से पहले आप हमारे पेज को लाइक नहीं करें तो लाइक जरूर करें, शेयर नहीं करें तो शेयर करें, और इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब भी करें। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो पे सीखने वाले हैं कि हम हमारे इस डेस्कटॉप ये दिखाई दे रहा है सामने से, जो इस डेस्कटॉप का हम कैसे बैकग्राउंड रख सकते हैं। तो इस डेस्कटॉप का बैकग्राउंड सेट करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हमने डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करना है। इसके बाद हमको नीचे लिखा हुआ है पर्सनलाइज, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये लोडिंग हो रहा है अभी। अब यहाँ से हमको सामने से दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो बैकग्राउंड लिखा हुआ है। और यहाँ पे जाके आप यहाँ पे सॉलिड कलर रख सकते हो। यहाँ से आप बैकग्राउंड में कलर रखना चाहते हो तो यहाँ से आप कलर रख सकते हो। यहाँ से स्लाइड शो कर सकते हो तो यहाँ से स्लाइड शो, जो कि आप मल्टीपल पिक्चर रखना चाहते हो तो आप यहाँ पे स्लाइड शो ऑप्शन स्विच कर सकते हैं। नहीं तो हम यहाँ पे पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो आप अपने कंप्यूटर से पिक्चर सेट कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे ब्राउज पे अपने कंप्यूटर से अपने पिक्चर रखना है तो आप यहाँ पे ब्राउज बटन पे जाना है। ब्राउज बटन पे जाने के बाद हमको यहाँ पे फाइल दिखाई देगा, तो आपने क्या करना है, सिंपली ये फाइल जो आप बैकग्राउंड में रखना चाहते हैं उसको आपने सिलेक्ट कर लेना। जैसे हम मैं क्या करता हूँ, इसको रखना चाहता हूँ तो इसको मैं सिंपली क्लिक करके यहाँ पे चूज अप पिक्चर पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे सामने से आगे यहाँ पे दिखाई दे रहा है और यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है। यहाँ से इसको मिनिमाइज करता हूँ तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो मेरे डेस्कटॉप बैकग्राउंड पे क्या हो गया, अभी पिक्चर चेंज हो गया। तो दोस्तों इसको फिर से मैं ओपन करता हूँ, यहाँ से रिस्टोर करता हूँ, फिर यहाँ से मैं चेंज कर लेता हूँ। ये वाला रखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से इस वाला फिट कर देता हूँ। तो दोस्तों देखो यहाँ पे भी क्या हुआ है, ये चेंज दिखाई दे रहा है। यहाँ से मैं मिनिमाइज करता हूँ, यहाँ पे भी हमको क्या हुआ है, डेस्कटॉप बैकग्राउंड चेंज हुआ है। तो हम यहाँ से इसको नीचे देख रहे हो चूज अ फिट देख रहा है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इसको पूरा होल बैकग्राउंड में आप फिट करना चाहते हो तो यहाँ से आप ऑप्शन चूज कर सकते हो। जैसे मैं फिट पे क्लिक करता हूँ तो फिट पे क्लिक करने के बाद ये क्या दिखाई देगा हमको, सिंपली यहाँ पे फिट से ये पिक्चर जितने में फिट होता है उसमें भी फिट दिखाई दे रहा है। नहीं तो आप यहाँ पे फिल पे क्लिक करोगे तो फिल पे क्लिक करने का मतलब है कि ये पूरा स्क्रीन पे फिल करने का मतलब बोल रहा है, तो फिल कर सकते हो। यहाँ से आप इसको स्टार्स कर सकते हो सर, टाइल कर सकते हो, सेंटर कर सकते हो, स्पैम कर सकते हो। तो दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए, और शेयर नहीं किया तो शेयर करिए, और इसको अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें।